जशपुर जिले में लोदाम पुलिस चौकी क्षेत्र के एक गांव की रहवासी छात्रा बुधवार को अपनी एक सहेली के साथ घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। स्कूल से लगभग 500 मीटर की दूरी पर उनके पास एक स्लेटी रंग की बड़ी कार आकर रुकी। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, एक आरोपी कार से उतरा और अपहृत छात्रा को जबरन खींचकर कार में बैठाने लगा। पीड़ित छात्रा ने आरोपी का विरोध किया, लेकिन आरोपी ने जबरदस्ती उसे खींचते हुए कार में बैठा लिया और मौके से भाग निकला। छात्रा के अपहरण की सूचना पर जशपुर पुलिस द्वारा की जा रही नाकेबंदी से घबराकर अपहरणकर्ता ने छात्रा के साथ घटना स्थल से कुछ दूर आगे के जंगल में छिप गया था। एसएसपी उमेश कश्यप ने बताया कि घटना के 3 घंटे बाद ही पीड़ित छात्रा को जंगल से सुरक्षित बरामद करते हुए अपहरणकर्ता को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी, आज सुबह लगभग 10 बजे थाना कोतवाली जसपुर के लोखंडी ग्राम से सूचना आई कि एक नाबालिग बच्ची जो स्कूल के लिए घर से निकली थी, उसका अज्ञात वाहन सवारों के द्वारा अपहरण कर लिया गया है, जिसमें जसपुर पुलिस ने तत्काल टीम गठित करके कार्रवाई आरंभ की। सरहदी थानों को भी बताया गया, झारखंड को भी अवगत कराया गया और नाकेबंदी की गई। साथ ही आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिससे वाहन के बारे में जानकारी मिली और पुलिस ने जो है 3 घंटे में ही बच्ची को बरामद कर लिया है और आरोपी को भी जो है गिरफ्तार करने में सफलता मिली है। किस तरह का मामला था सर, पूर्व परिचित थे क्या? अभी मामले में डिटेल्स पता नहीं चले हैं। संभवतः जो है बच्ची से कभी आरोपी जो है मिला था और उसके द्वारा जो है उसको आज जो है अपने वाहन में ज़बरदस्ती खींचकर बैठा कर ले जाने की घटना कारित की गई थी, जिसको जो है बच्ची के साथ ही स्कूल जाने वाले अन्य बच्चों ने देखा और उन्होंने अपने शिक्षकों को बताया, जिससे शिक्षकों के द्वारा जो है घटना की जानकारी दी गई थी। क्या फिरौती होती है बोला है क्या? फिरौती इत्यादि की कोई मांग नहीं थी इसमें, और बल्कि जो है हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के द्वारा पूरी टीम को 5,000 रुपये का नगद इनाम का जो है घोषणा किया गया है।